करीब साल भर पहले एक दिन सुबह 7:30 बजे एक रूटीन मेडिकल चेकअप के दौरान मुझे कैंसर से डायग्नोस किया गया। बॉडी स्कैन करने पर पता चला मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर था। मुझे तो पैनक्रियास क्या होता है ये भी नहीं मालूम था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका कोई इलाज नहीं था। मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 से 6 महीने ही बाकी थे। डॉक्टर्स ने मुझे अपना सारा कामकाज समेट लेने की सलाह दी, मतलब मरने की तैयारी कर लो। एग्जाम की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, शादी की तैयारी, ये सब तो कर चुका था, पर मरने की तैयारी ये कैसे की जाती है? सिंपल, जीना सीखने से। अगले 6 महीने मैंने सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ गुजारे और वो मेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन थे। मौत हमें जिंदगी का मकसद समझाती है, क्योंकि जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो सारी झूठी उम्मीदें, स्वार्थ, शर्म या नाकामयाबी का डर उसके सामने फीका और बेबुनियाद लगने लगता है। मौत दिमाग को काबू में लाकर दिल की बात सुनने पर मजबूर करती है। आज मेरे डायग्नोसिस को हुए साल गुजर गया है और मैं अब भी जिंदा हूं, पर अब यह यकीन हो गया है कि मौत एक हकीकत है जिसका सामना कभी ना कभी हम सबको करना पड़ता है। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे करते हैं।